दोस्तों डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन, ये चीजें क्या है, बड़ी आसानी से हम इसके समझते हैं। सो प्लांट के पास होते हैं मेरिस्टेम मैट्रिक्स सेल, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब ये मैच्योर हो जाते हैं, बनाते हैं पेरेंकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गए हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, एक तरीके से मैच्योरेशन। ओके, सो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने डिफरेंशिएशन कहा। अब यार डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो जैसे कि अभी हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने यहाँ पे मान लो कि मेडुलरी रेस बना दिया। मेडुलरी रेस क्या होता है यार, कि ये यहाँ पे जो पेरेंकाइमेटस सेल रहते हैं बिटवीन द बंडल्स, उसे हम क्या कहते हैं, बिटवीन द वेरियस बंडल्स, राइट, वहां पे हम इसे कहते हैं मेडुलरी रेस, ये रहते हैं मेडुलरी रेस। ओके, अब प्लांट चाहता है कि और ज्यादा वाटर कंडक्टिंग पाइप्स बने, जाइलम बने, फ्लोएम बने, तो क्या होता है कि मेडुलरी रेस जो है यहाँ पे हो जाएंगे डी डिफरेंशिएट, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल से मेडुलरी रेस बने, पेरेंकाइमेटस सेल बने, इसे हमने डिफरेंशिएशन कहा। अब ये एक प्रोसेस रिवर्स हो रही है, क्योंकि प्लांट चाहता है कि और ज्यादा वो झाइलम बनाए, फ्लोएम बनाए, तो मेडुलरी रेस कन्वर्ट हो गए मेरिस्टेमेटिक सेल में, इस प्रोसेस को हमने डी डिफरेंशिएशन कहा। अब मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे आप फिर से झाइलम बना देंगे, फ्लोएम बना देंगे, जो चाहे वो सेल बना देंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे री डिफरेंशिएशन। सो ये होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है डी डिफरेंशिएशन, और ये होता है री डिफरेंशिएशन। इस सिंपल।